मतलब कुछ भी कह लो यार, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर तुम कभी कोर टीम का पार्ट रहे हो ना, तो तुम्हें वो इंजॉयबिलिटी मिलेगी कि भाई मज़ा तो आता है चीज़ों को देखते हुए, बनते हुए, स्टार्टिंग से, शुरुआत से, जो किसी ने नहीं देखा वो तुमने देखा है। मतलब वो फील होता है कि तू क्या जानते इस प्रोडक्ट के बारे में, मैं ज़्यादा जानता हूँ। और ये तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो वुडन सनग्लासेस बना रही है। वुडन सनग्लासेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में लोगों ने नहीं देखा, नहीं जाना, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है यार ये वीडियो ना, उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हैंडक्राफ्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। हे गाइस, तो अभी चलते हैं हम नोएडा, और नोएडा के अंदर जो फैक्ट्री है टोटली वुडन मैन्युफैक्चरिंग की है, जहाँ पे उसके फाउंडर ने अभी वुडन सनग्लासेस बनाना स्टार्ट करे हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सो लेट्स गो। क्या लेंगे? फाइनली क्या हाल है भैया? क्या हाल है सर? बढ़िया भैया। कब से सर? अभी आज ही आया हूँ। फाइनली अभी हम आ गए हैं साक्षा में, और अब ऊपर चलते हैं। काफ़ी नुकसान जैसा फील हो रहा है, क्योंकि पहले इधर ही काम करता था। तो लेट्स गो एंड मीट आवर पीपल, और थोड़ी सी मीटिंग करनी है किसी चीज़ को लेके, फिर मैं आपको पूरी फैक्ट्री दिखाता हूँ। दे आर मैन्युफैक्चरिंग वुडन सनग्लासेस, दे आर द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो चलो चलते हैं। फाइनली आ गया हूँ और अब चलते हैं अंदर, दिखा दूँ क्या व्यू है। जब मैं पहली बार आया था तो मैं इधर ही बैठा था, मैं इंटरव्यू देने के लिए इसी सीट पे, और यहाँ पर आए थे प्रेम भैया, जिन्होंने मेरे को बुलाया और बोला कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, इंटरव्यू वगैरह देने आए हो या नहीं। अभी मिलवाऊँगा प्रेम भैया से भी, फिलहाल तो पूरा का पूरा ऑफिस खाली पड़ा है। और मैं अपनी सीट उठा देता हूँ, मैं बैठता था साइड। और ये सेक्सी सा ऑफिस, ये रहा हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वो प्रवीण सर, और अंदर बैठते हैं यहाँ के डायरेक्टर तो सिंगला सर, और इसी सीट पे बैठा करता था। फिलहाल तो मैंने अपने यहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह रखा हुआ है, लेकिन काफ़ी सही सीन होता था भाई जब यहाँ बैठते थे, काम करते थे। जब मैं पहली बार आया था तो मेरा पहला इंट्रैक्शन हुआ था प्रेम भैया से, क्योंकि उन्होंने मेरे से लिया था मेरा पूरा क्या कहते हैं उसे CV। और अब जब मैंने कंपनी छोड़ दी थी तो याद आती है मेरी? बिल्कुल जी, आपकी बहुत याद आती है। सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, आपकी बहुत याद आती है। जब से आप गए तब से अजीब सा लगा कुछ दिन तक, तो फिर हैबिट बन गई, आदत से पड़ गई फिर। नहीं, मुझे तो आता है, अभी जैसे मैं नीचे फैक्ट्री घूम कर आया तो उसमें भी फिर यही याद आ रहा था कि सही है, जब हम नीचे शूट करते थे प्रेम भैया को बोलते थे लाइटें वाइटें लगवा दो, किसी को बोल दो ऊपर आ जाए। तो जब भी यहाँ 2-3 हफ्ते में आना होता है कभी कभी, तो उस टाइम पे मस्त मस्त हंसी मजाक आता है, भैया की बातें याद आती है, हम पेंटर भी करते थे। जब भी आप आते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपको देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। तो चलो चलते हैं, बाहर बैठते हैं फिर। तो बस फिर वही फील ले रहा हूँ यार इसी सीट पे बैठ के, और आओ चलो चलते हैं फिर, बाकी मेंबर से मिलवाता हूँ आपको। मेन जो यहाँ पर है वो है यहाँ के सलमान खान, जिनका नाम है सुमित। तो वो चलो सुमित भाई से मिलवाता हूँ कि सुमित भाई क्या कर रहे हैं। सुमित भाई पूरे सलमान खान को दिखाता हूँ। तो ये है यहाँ के सलमान खान भाई, भाई को बेल्ट दिखाना अपनी। ओ भाई सलमान भाई दिखाओ ना, दिखाओ भाई, चाल देखो अगले की, चल के दिखाने एक बार आना सलमान भाई। चला जा भोसड़ी के। ओ भाई ये बहुत ही मस्त बंदे हैं भाई, इस ऑफिस के सबसे मस्त बंदे कौन है ऑफिस के? सलमान भाई। नो फोटोज प्लीज। भाई हम इधर ही शूट करा करते थे साशा में, अपने सामने बना हुआ भाई बुल्ला सेटअप बनाया था, और ये रहे उनके प्यारे प्यारे सनग्लासेस, ये हैं वो वुडन सनग्लासेस, इनके लिए मैं बात कर रहा था। एंड
दीज आर रियली प्रिटी और कुछ काफ़ी ही यूनिक डिज़ाइंस साशा के। चलो यार इधर थोड़ा ही बताओ तुम्हारे भाई को चश्मा कैसा लग रहा है? डिजाइन तो प्यारा है भाई। और इसके अंदर आप यहाँ पे ऐसे एंग्रेविंग भी करवा सकते हो, जैसे उन्होंने अपना लोगो करा हुआ है इधर उसी सेम तरह से, जैसे यहाँ साशा लिखा है आपका, यहाँ पे नाम लेटर सब कुछ इधर साइड इंग्रेव हो सकता है, जो मतलब बहुत ही सही और फैंसी चीज़ है और पर्सनलाइजेशन ही है आजकल जो की फैक्टर है सारे के सारे बिजनेस का। जितना आप चीज़ों को क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर होता रहेगा भाई। कुछ डिज़ाइन तो काफ़ी ही यूनिक हैं, जैसे ये वाला मतलब ये भाई सारे चश्मे जित रहे हैं अपने को, लेकिन काफ़ी यूनिक डिजाइन है भाई, किसी ने नहीं देखा हो अब तक, देखा है तो कमेंट कर देना प्लीज़। लेकिन भाई ये वुडन में है और बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ ऐसे बहुत भारी सा पहन लिया हो वुडन सोच के, लेकिन काफ़ी ही मस्त डिज़ाइन। और एक ये है तो वुमेन का, लेकिन मस्त लग रहा है भाई, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनिसेक्स हैं जितने भी चश्मे, तो आज से ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सकते कि कौन सा मैंने कौन सा वो मैंने। और इनके पास ऑप्शन है क्लियर लेंस वाला भी, तो क्लियर लेंस वाला तो काफ़ी सेक्सी है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन। और भाई ये पूरे के पूरे जो कलर्स हैं ना ये भी हैंड पेंटेड है, सबसे प्यारी बात ये। और मुझे जैसे बताया था कि एक दिन में एक चश्मा बनता है बस, तो भाई वर्थ इट है। प्राइसिंग शायद बाकी चश्मों से थोड़ी सी ऊपर होगी, लेकिन एक नंबर चीज़ है, एक नंबर। चलो चलते हैं नीचे, चलते हैं फैक्ट्री में, बहुत बातें होंगी। पैकेजिंग भी भाई पूरी वुडन है, पूरी वुडन पैकेजिंग है, काफ़ी ही प्यारी। और उनको भी दिखाता हूँ तुम्हारे को, मस्त है भाई पैकेजिंग भी, मतलब पूरे प्रीमियम फील दे रखा है, क्योंकि चश्मे का काम ही ऐसा है भाई। और ऊपर से फील बहुत बढ़िया है, सो चूज योर सनग्लासेस फ्रॉम साशा। तो फिर अभी चलते हैं अंदर बैठने, और सुमित भाई मुझसे कई बार अपनी वीडियो मांग चुके हैं, और चलो उनको चल के छेड़ते थोड़ा सा, क्योंकि भाई मज़ा आता है उन्हें छेड़ने में। चलो भेज दी, मैं दूसरी वाली कह रहा हूँ भेज दी, एक तो भेजिए। कौन सी वाली? ठीक है भेज रहा हूँ। सही रहता ना भाई जी, हाँ शूट करते थे। मैं डोला देखता हूँ पहले, डोला दिखा रहा हूँ, डोला तो सही हो रहा है। एप्स निकलवा रहे हो? नहीं एप्स बाद में निकालेंगे आराम से। और शादी कब कर रहे हो? क्योंकि सलमान भाई के फैन में शादी नहीं करूंगा। मुझे सुंदर सी सुशील सी बहू चाहिए, अपने लोंडे के लिए गोरी एकदम। फाइनली अब हंसी मजाक पूरा करते हुए चलो चलते हैं, थोड़ा काम काज छेड़ लेते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा टाटा। तो अभी क्या करना है हमारे को, ये जितना भी फर्नीचर है इस फैक्ट्री में, और भाई पूरा हाई एंड प्रीमियम फर्नीचर है, तो हमारे को वो शूट करना है, क्योंकि उसकी वीडियो जानी है क्लाइंट के पास। तो लेट्स गो एंड कंप्लीट इट। और कुछ कुछ फर्नीचर्स पे तो ऐसा प्राइस रखा है जैसे मेरा एनुअल पैकेज हो, जैसे भाई ये बेड जब मैं पहली बार आया था तो भाई बहुत खुश हो गया था देख के कि क्या ही चीज़ है, लेकिन फिर बेड के दुखी प्राइसेस देख के बहुत दुखी सा हो गया था कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन लेट्स गो एंड शूट इट। तो फाइनली पूरा का पूरा शूट कंप्लीट हो गया है, और बस अब चलते हैं उसमें भाई के साथ नीचे फैक्ट्री में, क्योंकि ऊपर फर्नीचर की वीडियो बना लिए
लेकिन जो उसका BTS है, मतलब फर्नीचर बनाने का जो तरीका है उसको दिखाना है कि बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं उसके और किस तरह से फर्नीचर बनता है, क्या कारीगरी है, क्योंकि पूरा पूरा हैंड क्राफ्टेड काम है। और चलते हैं, और फिलहाल मैं खा रहा हूँ ये कॉर्नेटो उसके एलिमेंट्स। भाई मतलब सही चीज़ है ये, बढ़िया चीज़ नहीं है, लेकिन 50 रुपये के आते हैं जो हर जगह महंगाई हो रखी है। मैं गरीब हूँ। तो ये है पूरा फैक्ट्री का एरिया। ये गंदी यार क्या कर रहे हो? इस आदमी की चाल देखो, ढंग देखो यार, पूरा सलमान खान है भाई यार। सलमान भाई अरे वहाँ बना, वहाँ फिनिश। हाँ हाँ, हम मालूम है बाप को मत सिखा, चल भाई। यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है ना, मतलब दीवार की जगह पे भी यहाँ पे जो लकड़ी लगा रखी है, और ये पूरा अलग फील आती है भाई यहाँ से देखने में। ऐसा लगता है कि लकड़ियों के बादशाह हो। मस्त एकदम। तो अब नीचे चलते हैं, जैसे हमने देखा फैक्ट्री के लिए, और देखते हैं जो भी हमारा कारीगरी का काम चल रहा है, फिर उसे भी शूट करना है आज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, और हमारे को साथ साथ चल ही रहे हैं हमारे सलमान भाई। क्या हाल है भैया? बढ़िया। क्या हाल? बढ़िया भैया। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे फर्निशिंग चल रही है। अरे वाह। हेलो। हाँ हाँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। हम आ गए फाइनली साशा की फैक्ट्री में। Let's go. तो भाई ये यहाँ पे बनते हैं सारे सनग्लासेस, एंड ये सब हैंड क्राफ्टेड है A to Z। तो अभी थोड़े टाइम के लिए फैक्ट्री खाली करवा दी थी ताकि हम लोग यहाँ पे शूट कर सकें। तो अब यहाँ पे शूट वगैरह करेंगे, और ये जैसे मैंने दिखाया अभी सनग्लासेस रखे हुए हैं, तो ऐसे ही बनते हैं ये। और मतलब बहुत ही प्रीमियम लुक है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे देखने में। और पहली बार कुछ ऐसी नई सी चीज़ देखी है जो काफ़ी की क्या है। और ऑर्डर करो। और क्या बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जो हमने फ़ोटोज़ खींची थी वो हमने इस फैक्ट्री में लगाई थी, और अभी जैसे दिख रही है मेरे पीछे ये सब क्लिक्ड है अपने थ्रू ही, ये वाली। और इनको अच्छे से दिखाता हूँ अभी, ये वाली इमेज। फिर ये तो पुरानी थी, किसी और ने क्लिक करी हुई है, किसी और क्रेडिट नहीं खाऊंगा। फिर वो वाली, ये सारा, ये पूरा नया कलेक्शन है, टूरा वो जो अभी पहना हुआ था मैंने स्टाइल करने के टाइम पे, वेलोंग, बहुत याद है भाई पुरानी। मतलब कुछ भी कह लो यार, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर तुम कभी कोर टीम का पार्ट रहे हो ना, तो तुम्हें वो इंजॉयबिलिटी मिलेगी कि भाई मज़ा तो आता है चीज़ों को देखते हुए, बनते हुए, स्टार्टिंग से, शुरुआत से, जो किसी ने नहीं देखा वो तुमने देखा है। मतलब वो फील होता है कि तू क्या जानते इस प्रोडक्ट के बारे में, मैं ज़्यादा जानता हूँ। और ये तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो वुडन सनग्लासेस बना रही है। वुडन सनग्लासेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में लोगों ने नहीं देखा, नहीं जाना, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है यार ये वीडियो ना उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हैंडक्राफ्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनकी, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होना चाहिए, और उनको मोटिवेट और लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हैंडक्राफ्ट में यार आदमी की जो पर्सनलाइजेशन होता है ना, जो दिल से बनाता है आदमी, कारीगर जो है, जो उसकी मेहनत है, उसको जब देखते हो आप तो अच्छा लगता है कि भाई वो आदमी एक दिन में चश्मा बना रहा है तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद के जो रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत लैविशिंग होते हैं देख कर, जानने में, पहचानने में, उन सब चीज़ों में। तो बस यही कहूँगा कि यार अच्छा लगा यहाँ पे काम करके काफ़ी टाइम, और अब भी जब मैं कभी शूट करने आता हूँ या कभी मिलने आता हूँ सर से, क्योंकि अच्छा बॉन्ड है, सब अच्छे लोग हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। अब जैसे सर ने एक यहाँ पे नया चश्मा बनवाया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा जयपुर में जाते हो तो वो जूतियों के लिए फेमस है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जूतियाँ होती हैं ताकि आप ऐसे देखो और उनके साथ अट्रैक्ट हो जाओ। तो वैसे यहाँ पे भी एक सनग्लास बना हुआ है, वो दिखाता हूँ अभी। अभी इसकी पैकेजिंग हटी नहीं है, क्योंकि ये भी यहाँ पे फिट होगा जब एक बार ये सारे का सारा मटेरियल यहाँ से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद अभी
दिख रहा होगा आपको पूरी की पूरी फैक्ट्री थोड़ी भरी हुई है। तो जब हट जाएगा फिर इसे हम कहीं प्लेस करेंगे और फिर बहुत सेक्सी लगेगा ये। तो जैसे मैंने अभी आपको फैक्ट्री में दिखाया पूरा, तो अंदर मैं नहीं बोल पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल थी, डस्ट थी, और वहाँ पे जितने भी आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वो सारे अपना अपना काम कर रहे थे। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू देयर प्राइवेसी। लेकिन जो मेरे को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ लगी कि ये जो लकड़ी कटती है उसका जो बरूदा बचता है, जो बच जाता है, जैसे ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो उसका पूरा वेस्ट होता है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि पूरा वेस्ट है जिसके कम फेंक देते हैं कुछ, ये जाता है। और यहाँ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे, ये फैक्ट्री है नोएडा में, और जिसके आसपास के गांव हैं वहाँ पे भी कुछ लोग ख़रीदते हैं इसे ताकि वो इसे जला सके, रात को इस पर खाना बना सके, जो अब भी लो इनकम वाले लोग हैं। तो इट्स ए गुड थिंग कि ये पूरा वेस्ट भी किसी के काम आ रहा है। एंड आई थिंक कि ये जो फैक्ट्री है पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दे हैव पेड मी समथिंग टू स्पीक ऑल अबाउट इट, बट पूरा दिल से निकल रहा है यार कि मज़ा आ रहा है देख के कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कभी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाओ तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जस्ट लाइक दैट द सेम थिंग इज एंड आई एम एक्चुअली लविंग इट। जैसे बताया था मैंने कि आप अपने सनग्लासेस को एंग्रेव करवा सकते हो, पर्सनलाइज करवा सकते हो, जैसे अपना नाम वगैरह लिखवा सकते हो। तो अभी चलते हैं यहाँ पर, वो लेज़र मशीन है और मैं वो दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करती है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें यार जो बहुत कूल है और मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी रिपीटेटिव हो जाएगा मेरा डायलॉग, मज़ा आ रहा है क्योंकि सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर भरोसा ना हो तो कभी किसी भी फैक्ट्री में जाना, या फिर तुम खुद जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तो देखोगे कि भाई मतलब क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है जो, और कितने ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं इंडिया में जो ये सारे काम करते हैं अपने हाथों से। तो चलो मैं दिखाता हूँ, ये वो लेज़र मशीन। तो इस लेज़र मशीन में क्या होता है कि सनग्लास जाता है उधर, मतलब सनग्लास के जो टेम्पल होता है वो जाता है, और जाने के बाद फिर वहाँ पे लेज़र मशीन के अंदर यहाँ से कोडिंग करते हैं जो एडिटर होते हैं, जो भी है नहीं अपने टेबल पे क्योंकि लंच ब्रेक पे गए हुए हैं, और फिर वहाँ पे एंग्रेव होके आता है और फिर दोबारा से उसे डिसमेंटल से पूरा बनाया जाता है। और उसी तरह से उन्होंने ये भी बना रखा है, ये पूरा एंग्रेविंग से बना हुआ है इसी मशीन से और सीएनसी मशीन से जो लेज़र कटिंग से हुई है। और ये सारे हैंड क्राफ्टेड है हमारे सनग्लास, ये सारे डिज़ाइन हैं जो बेसिक डिज़ाइन है सनग्लासेस के कि किस किस तरह से होगा, जैसे खाचा कहते हैं हिंदी में, तो ये वो है। मतलब बहुत सारी कूल चीज़ें हैं यार, और मतलब तुम देखो कितना प्यारा लग रहा है यार ये। और उसके ऊपर जो पेन का वर्क करा भाई, ये उन्होंने करा जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे बनाते हैं। तो लोग अपना काम कर रहे हैं, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो भी बाहर निकलती है यार ऐसी जगहों पे काम करके। तो ऐसा फील होता है कि तुम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ भी कर रहे हो लैपटॉप के आगे 10 घंटे बैठ के, लेकिन जो आर्टिस्ट का काम है ना वो आर्टिस्ट ही अच्छे से कर सकता है। और जब तुम उस चीज़ को देखते हो, परखते हो, तो उन लोगों के साथ बैठ के और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस ये यार यही है, थोड़ा ज़्यादा ज्ञानी बाबा नहीं लगना मेरे को, लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर तुम देख रहे हो तो भाई देख, मतलब क्या ही मस्त डिज़ाइंस हैं इनके, तुम्हें समझ आ रहा है कि भाई पूरा वुडन का काम है, पूरे वुडन से सेपरेशन करा हुआ है। अभी ठीक है, गंदा हो रहा है यार क्योंकि फैक्ट्री खुली नहीं है आज ढंग से, और बस ये मेरे लिए ही दिखाया था कि मैं आ जाऊँ शूट कर लूँ, इसके लिए मुझे अलाउ करा था। और जब मैं ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ तो यार कूल है भाई, बहुत कूल है कि पूरा पूरा लकड़ी का काम है आपका, तो आपको पता है कि लकड़ी से किस तरह से क्या क्या बना सकते हो, अपने लोगों के बैठने की जगह, और बहुत ही बढ़िया चीज़ें बना रखी हैं मतलब। और मैं बस ये दिखाना चाहता था अपने ब्लॉग में कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सस्टेनेबली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और अपनी चीज़ों को फैशन से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइंस बना रहे हैं। तो हमारे को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए जो बाहर के ब्रांड्स हैं हम उन्हें पूछ दें, हमें इंडियन ब्रांड्स को भी पूछ देना चाहिए बिकॉज दे डिज़र्व इट, और हमारे इंडियन लेबर्स ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कूल और फैसिनेटिंग है, मतलब तुम खुद देखो जो लेबरर्स के बैठने के लिए जगह होती है वो भी इन्होंने इतना ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है। एंड आई एम सॉरी टू से लेबरर्स, क्योंकि मुझे लेबर कहने में अच्छा नहीं लगता उन लोगों को जो ये हाथ के काम करते हैं, क्योंकि वो कारीगर होते हैं, और कभी भी कोई आर्टिस्ट लेबर नहीं होता क्योंकि कोई कारीगर मजदूर नहीं होता, मतलब सेम थिंग इन हिंदी। पर खुशी मिल रही है भाई आज यहाँ आके ना कि यार सही जगह काम कर रहा था, और अब भी अच्छी जगह कर रहा हूँ,
लेकिन मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू सलमान भाई फॉर दिस गिफ्ट, और चलो घर चलते हैं। बाय बाय बाय, थैंक यू हर्षल। ये फाइनली निकल रहे हैं घर, और जैसे सलमान भाई मिला सुमित भैया ने बोला वीडियो मत डालियो, मैं तो डालूंगा भाई, मैं तो प्राइवेसी इन्वेट क्या भाईचारे भी प्राइवेसी इन्वेट होती है क्या, हम तो डालेंगे क्योंकि यार बढ़िया करेक्टर है भाई, एकदम मस्त आदमी है, खुश कर देते हैं भाई अगले आदमी को। मतलब पहले सबसे ज़्यादा मज़ा इनके साथ आता था और वीडियो वगैरह बनाने में। एक मिनट यार, ऊबर से कॉल आ रहा है। चलो फिर टाटा बाय बाय, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब इट, थैंक यू, बाय बाय। ओके भैया बाय बाय। अरे मैं ही एक बार साइड पोज देना अपना सलमान वाला, तो नहीं ऐसा एक बार बेल्ट तो दिखा दो, एक बार बेल्ट तो दिखा दो, एक बार एक बार एक बार दिखा दो, मत कर यार ओ भाई मत कर यार, सब समझ गया। बट यूट्यूबर ऐसे ही है, फालतू बकवास करके करते हैं। ओके सलमान भाई।